हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ अंजलि कुमारी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं शेफ अंजलि। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है एगलेस वनीला मफिन पर। ये सिंपल मफिन है और ये बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे किसी भी पार्टी, गैदरिंग, किसी भी ओकेजन में आप इसे बना सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला मफिन है और आप इसे बहुत आसान तरीके से अपने घर में एकदम मार्केट जैसा वनीला मफिन बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसी इनोवेटिव रेसिपी कभी मिस ना कर सके। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एगलेस वनीला मफिन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, ये 1 कप मैदा है। उसके बाद मैंने यहाँ 1/2 कप चीनी लिया है, ये पिसी हुई चीनी है। फिर मैंने यहाँ 1/2 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1/4 टीस्पून। उसके बाद बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। उसके बाद मैंने लिया है वनीला एसेंस 2 टीस्पून। विनेगर लिया है 2 टीस्पून। आप विनेगर की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नींबू का रस। उसके बाद दूध मैंने लिया है 3/4 कप। अब मैंने यहाँ एक खाली बोल लिया है, उसमें मैं 3/4 कप दूध डाल दूंगी। इसके बाद मैं सिरका डाल दूंगी, यानी कि विनेगर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये दूध अच्छे से फट जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए साइड कर देंगे। 2 मिनट बाद फिर इसे चला करके देखेंगे। ये देखिए, हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल 1/2 कप। उसके बाद हम डालेंगे वनीला एसेंस 2 टीस्पून और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स करें। ये मिक्स हो गया है। अब उसी बोल के ऊपर एक छन्नी डालेंगे और उसमें मैदा डालेंगे 1 कप। फिर पिसी हुई चीनी डालेंगे हम और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालेंगे और अच्छे से इसे छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसमें एयर कॉपरेट होगा और अच्छे से ये फूलेगा। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कट एंड फोल्ड की मेथड से हम पहले मिक्स करेंगे, बाद में इसको विस्क की सहायता से अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसको ओवर मिक्स ना करें, वरना हमारा मफिन का बैटर खराब हो जाएगा ओवर मिक्स करने से। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब ये रेडी है। अब मैं यहाँ मफिन ट्रे ले रही हूँ और इसमें पेपर लाइनर लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास कपकेक पेपर लाइनर नहीं है तो आप मफिन ट्रे को तेल से ग्रीस करके उसमें मैदा डाल करके अच्छे से डस्ट करके आप इसे बना सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मफिन ट्रे आपके पास ना हो, तो आप कोई सा भी केक का बर्तन ले करके आप इस केक को अच्छे से बना सकते हैं। अब इस मफिन ट्रे में हम बनाया हुआ बैटर डालेंगे। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। इसे आधा ही आधा डालेंगे क्योंकि जब ये फूलेगा तो ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए इसको पूरा ना भरें, आधा आधा भरें। अब ये मैंने सारे मफिन ट्रे को अच्छे से फिल कर लिया है। अब इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। के बाद हमारा मफिन रेडी है। ये देखिए, मैं टूथपिक इंसर्ट करके देख रही हूँ कि ये अच्छे से बना है या नहीं बना है। ये देखिए, टूथपिक हमारा क्लीन निकला, यानी कि हमारा मफिन अच्छे से पक चुका है, हर जगह से बेक हो चुका है। तो अगर आपका टूथपिक क्लीन नहीं निकलता है तो आप इसे 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं, क्योंकि सबका ओवन अपना अलग अलग टेम्परेचर बताता है। तो अब ये रेडी है, मैं इसे सर्व करती हूँ एक प्लेट में।
ये देखिए हमारा मफिन कितना अच्छा लग रहा है। ये एगलेस वनीला मफिन देखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।